हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले अलाइनमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए अलाइनमेंट के वीडियो, पंप असेंबली के वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो तुरंत जाइए और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, अलाइनमेंट किसे कहते हैं? अलाइनमेंट दो इक्विपमेंट को एक ही लाइनिंग में सेट करने के जो प्रक्रिया रहता है, उस प्रक्रिया को अलाइनमेंट कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि पंप है या मोटर है, उसको एक लाइनिंग में सेट करना है हम लोग को, तो वो जो प्रक्रिया है, सेट करने का जो प्रक्रिया है, उसी को अलाइनमेंट कहा जाता है दोस्तों। अलाइनमेंट किससे होता है? अलाइनमेंट दो इक्विपमेंट से होता है। पहला इक्विपमेंट है डायल इंडिकेटर, जो कि स्टैंड वगैरह के साथ आता है, उसका डायल इंडिकेटर। उस डायल इंडिकेटर से अलाइनमेंट किया जाता है, या तो लेज़र अलाइनमेंट किया जाता है। बड़ा बड़ा जब इक्विपमेंट होता है मिल वगैरह में, तो उसको लेज़र अलाइनमेंट, लेज़र सेट से लेज़र अलाइनमेंट किया जाता है दोस्तों। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, रेडियल और एक्सल, जिसको रिम एंड फेस अलाइनमेंट भी कहा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में। तो इसको समझते हैं हम लोग, एक्सल और रेडियल का मतलब क्या है। एक्सल का मतलब होता है जो बीच का गैप होता है, दो कपलिंग का जो बीच का गैप होता है, उसको सेट करने का जो प्रक्रिया है, उसको एक्सल अलाइनमेंट बोला जाता है। और रेडियल अलाइनमेंट कपलिंग के पूरे सर्कल को सेट करना पड़ता है, राइट लेफ्ट ऊपर और नीचे, उसको जो सेट किया जाता है उसको रेडियल अलाइनमेंट बोला जाता है दोस्तों। दो प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, एक्सल, रेडियल, या तो रिम या फेस अलाइनमेंट कंपनी में बोला जाता है दोस्तों इसको। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अलाइनमेंट कितने डायल इंडिकेटर से किया जाता है? अलाइनमेंट दो डायल इंडिकेटर से भी किया जाता है। अलाइनमेंट तीन डायल इंडिकेटर से भी किया जाता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला अलग अलग आता है। तो एक डायल इंडिकेटर से कभी भी अलाइनमेंट नहीं होता है। कभी भी अगर अलाइनमेंट आप लोगों को सही तरीके से करना है तो दो डायल इंडिकेटर आपको लगाने ही पड़ेंगे, एक एक्सल में और एक रेडियल में। दो डायल इंडिकेटर आपको लगाना ही पड़ेगा, जिसको कोई कोई बोलेंगे कि रिम एंड फेस अलाइनमेंट। रिम मतलब सर्कल होता है, फेस मतलब कपलिंग का जो फेस होता है, उस फेस में एक डायल इंडिकेटर लगाना पड़ता है। तो दो डायल इंडिकेटर आप लोगों को लगाने ही होते हैं। कहीं कहीं पे तीन डायल इंडिकेटर यूज होता है, दो डायल इंडिकेटर एक्सल में लगाया जाता है और एक डायल इंडिकेटर रेडियल में लगाया जाता है दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, डायल इंडिकेटर का न्यूनतम माप कितना होता है? जो कि डायल इंडिकेटर में आप लोगों को दिख रहा होगा, डायल इंडिकेटर का जो न्यूनतम माप है वो 0.01 mm है। मिनिमम 0.01 mm तक का आउट को ये डायल इंडिकेटर शो करेगा, उससे कम का आउट को ये नहीं शो कर पाएगा दोस्तों। तो जो न्यूनतम माप है डायल इंडिकेटर का वो है 0.01 mm। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अलाइनमेंट का फॉर्मूला क्या है? अलाइनमेंट का फॉर्मूला आप लोगों को डिस्प्ले में दिखता होगा, इसको नोट करके रख लीजिए। और इसको यूज करने अगर अभी तक आप लोगों को नहीं आता है कि फॉर्मूले को किस तरह से यूज किया जाता है, तो उसका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, भरा पड़ा हुआ है, ऑल अबाउट अलाइनमेंट का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उस पर आप लोगों को इस फॉर्मूले को यूज करने का तरीका मिल जाएगा दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन है, अलाइनमेंट करते समय मोटर के बेस में क्या डाला जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलाइनमेंट करते समय हो सकता है हम लोग को मोटर को हाइट करने के लिए कुछ डालना पड़ता है, तो वो जो इक्विपमेंट है उसको सीम बोला जाता है दोस्तों। उस सीम जो है प्लेट के रूप में आता है, उसका पूरा सीट आता है प्लेट, उसको कट करना पड़ता है यू शेप में आप लोगों को, और उसको बोल्ट वगैरह में, जो मोटर का बोल्ट रहता है, उस जगह पर डालना पड़ता है हाइट करने के लिए। तो जो गैप को मेंटेन करने के लिए जो इक्विपमेंट को डाला जाता है उसको सीम बोला जाता है दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला, कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।